देखती आंखों और सुनते कानों को अब्दुल रहमान का टिप्स ट्यूब यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खवातीनों हज़रात, करदू की एक और अट्रैक्शन शेगर फोर्ट से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये जो शेगर इंटरचेंज है, जो इस तरफ से रोड आ रहा है, हमारे करदू से आए तो तकरीबन कोई 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये फोर्ट है। ये बेसिकली ये पैलेस है, जो फोर्ट है वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। ये जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मज़ीद आपको एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, फोर्ट्स हमने देखे हैं, अलतीत और बलतीत फोर्ट भी, ये भी फोर्ट, लेकिन ये फोर्ट जो है शेगर फोर्ट बाकी फोर्ट से मुख्तलिफ है, हमजा के फोर्ट से। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे जो सरीना है वो इसको मैनेज कर रहे हैं और आप लोग अपने प्यारों के साथ यहाँ पे रात भी रुक सकते हैं और ऑब्वियसली उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। बाकी डे विज़िटर्स के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, सीनरी है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो स्कर्दू एयरपोर्ट से आपको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, यहाँ पे स्टे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है और इस तरह की इनके पास बहुत सारी सहूलत है। और अगर आप यहाँ लोग यहाँ पे स्टे करते हैं तो इनका लाइव गार्डन से आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसके अंदर एप्पल, चेरी, बादाम और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आएंगी। तो ये इन इलाकों में जो एक ख़ास चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि जितने भी आप फोर्ट विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को टूर गाइड एक मिलेगा जो आप लोगों को ए टू जी एक्सप्लेन करेगा और वो चीज़ें बताएगा जो शायद आपको देखने में इतनी पता ना चल सकें। तो आप लोग भी इसको पूरे को डिटेल से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और अगर पसंद है तो अपने बहुत प्यारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप पूरा ये देखेंगे और उसके बाद फिर आप लोग फैसला कीजिएगा। जब आप लोग स्कर्दू आएँ तो आप लोगों की चेक लिस्ट में ये फोर्ट शेगर फोर्ट होना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सर, आपने शायद मेन गेट पे देखा होगा एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पे जो है ना फोंखर लिखा हुआ है। ये लोकल लैंग्वेज है फोंखर। फों मीन्स बिग रॉक, बिग स्टोन्स, एंड खर मीन्स पैलेस, पैलेस ऑन द रॉक। इसको लोकल जबान में फोंखर कहा जाता है, ये बलती लैंग्वेज में। ये 1634 में बना था, 1634 में ये राजा हसन खान अमाचा ने बनाया था। राजा हसन खान अमाचा रूलर ऑफ शिगर दैट टाइम, उस वक्त के जो रूलर थे। वक़्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कुछ हिस्से ख़राब हुए थे, डैमेज हुए थे। सो 1999 में इसको रिहेबलीटेशन किया, रिस्टोर किया एक CSP ने, आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इसको रिहेबलीटेशन किया, रिस्टोर किया। एंड नाउ वी कन्वर्टेड इनटू ए कल्चरल होटल्स। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स यहाँ पे। अभी जो है हमारा जो पैलेस में 13 रूम्स हैं और हमारा जो गार्डन साइड पे 7 रूम्स हैं। सो वी हैव 20 रूम्स। इसको सरीना मैनेज करें, सरीना होटल्स। सो हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो रूम्स हैं इसको हम अभी परचेज करते हैं, रन आउट करते हैं। बाकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो रूम्स होते हैं इसको हम परचेज़ करते हैं। बाकी जो असल जो फोर्ड होते हैं, बेसिक जो फोर्ड होते हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर टॉप ऑफ द हिल्स पे आप देख सकते हैं, ऊपर है, ऊपर टॉप पे आप यहाँ से नज़र आएंगे, टॉप पे आप देखेंगे असल जो फोर्ड वहीं पे, ये पैलेस है वो फोर्ड है। आपने इधर स्कर्दू में भी देखा होगा खरपुचों के नाम पर टॉप पे फोर्ड है, टॉप पे होते हैं, नीचे इनका पैलेस होता है। खपलू में भी आप देखें तो ऊपर टॉप पे फोर्ड होते हैं, नीचे पैलेस होते हैं। अलतीत बलतीत में भी आप देखें तो ऊपर टॉप पे जो है ना हज़्ज़ा में ऊपर टॉप पे फोर्ड होते हैं, नीचे पैलेस होते हैं। सो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए था, इन केस अगर यहाँ पे कोई अटैक हुए तो राजा साहब अपनी फैमिली के साथ ऊपर चले जाते अपने सेफ्टी के लिए। सो वॉच टावर था सर वो, और अभी भी आपको जो है ना जस्ट वॉच वॉल आपको नज़र आएंगे, बाकी डैमेज हो गए बिल्कुल, जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। हम ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, दो रास्ते हैं। एक यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो ज़िगज़ग रास्ता है, थोड़ा सा हार्ड है, बट एक इजी रास्ता है बैक साइड से, वहीं से जो है ना आराम से जा सकेंगे। ये जो डोर आप देखें, ये जो डोर फ्रेम आप देखें, बिल्कुल ओरिजिनल है उसी वक्त की जो हैंड कार्विंग है। जितने भी वुड यहाँ पे यूज़ हो गए डैट टाइम, एप्रिकॉट्स, मलबरीज, जोनीपर्स, वॉलनट की लकड़ी यूज़ हो गए। सो ये जो वुड्स है ये वॉलनट की जो है ना अखरोट की लकड़ी है, उसी वक्त की जो हैंड कार्विंग है जी। और सर ये जो जगह आप देखें,
बिल्कुल ओरिजिनल पोर्शन है सर, ये जो वॉल है, सीलिंग है, वुड्स है, मट्स है, सारे जो है ना ये ओरिजिनल है। और दिस वाज सिक्योरिटी रूम सर, ये बिल्कुल आप देखें तो मेन गेट तक भी नज़र आएंगे, यहाँ से आप देखें तो उस वक्त ये जो है ना कमान और तीर लेके जो है ना गार्ड्स हुआ करते थे यहाँ पे, हर आने जाने वाले पे जो है ना यहाँ से नज़र रखते थे। और ये जो होल्स हैं ये हवा और रोशनी के लिए भी यूज़ होता था डेट टाइम, तो उस वक्त ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हवा और रोशनी के लिए भी यूज़ होता था। बिल्कुल ओरिजिनल पोर्शन है ये, कुछ यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैटर्न है। और ये जो फर्स्ट पैटर्न आप देखें यहाँ से जो है ना, ये जो फर्स्ट पैटर्न आप देखें ये रिलीजियस पैटर्न ऑफ चाइना है, चाइनीज ड्रैगन। सेकंड आप देखें, यू कैन सी सेकंड आप देखें, ये रिलीजियस पैटर्न ऑफ हिंदुइज्म है, अशोका है, सर्कल लाइफ जो होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंसान मरने के बाद जो है इसका दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, सो साइन ऑफ अशोका है। थर्ड आप देखें, ये सूफीज़म है, इस्लामी, टू डव सिमिली वन फ्लावर्स, इट्स मीन पीस एंड लव, मोहब्बत और अमन का जो कंसेप्ट है, ये एज ए लोगो भी है शिखर फोर्ट की। दिस इज आल्सो बुद्धिस्ट सनराइज लोटस एहराम मिस्र, मतलब उस वक्त के जो कारीगरों ने अपना रिलीजियस पैटर्न शो किया यहाँ पे जो है ना। 1634 में 1634 में राजा साहब, राजा हसन खान अमाचा साहब ने इसको बनाया था, कश्मीर से मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आए थे, सो इन्होंने उस वक्त के राजा साहब से रिक्वेस्ट किया कि हम आने वाले जनरेशन के लिए हम जो है ना यहाँ पे अपना रिलीजियस पैटर्न शो करना चाहते हैं। राजा साहब ने बोला ठीक है, राजा साहब की इजाज़त से इन्होंने अपना रिलीजियस पैटर्न शो किया हुआ यहाँ पे। सो काइंडली वॉच योर हेड सर, बचा के आ जाए सर, बचा के आ जाए। ये सर दिस वाज मीटिंग प्लेस दरबार कोर्ट, बट नाउ वी कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम हॉल, अभी हमने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। सर आपने अभी फील किया होगा दरवाजे छोटे हैं, हमें झुक के आना पड़ता है, सो इसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ रिस्पेक्ट राजा साहब के सामने जो भी आए झुक के आए, ये कॉन्सेप्ट है। और सेकेंड जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि साइडों पर तलवार लेके गार्ड्स हुआ करते थे, जब इनके दुश्मन आए झुक के आए तो वार के लिए आसानी हो जाती है, मतलब सर कटाने के लिए, ये भी कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट ये भी है कि यहाँ पे विंटर में जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं, सो सर्दी से बचने के लिए भी छोटे दरवाजे यूज़ करते थे डैट टाइम। सो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ रीज़न है। और ये जो है ना उस वक्त के जो राजा साहब के तख्त हुआ करते थे यहाँ पे छोटा सा, बाकी जो पब्लिक नीचे बैठते थे यहाँ पे। और इसकी जो सीलिंग आप देखें सर, यहाँ से ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है बिल्कुल ओरिजिनल है ये, बट सामने वाला जो सीलिंग वॉल बिल्कुल डैमेज हुए थे सर, इसको हमने रिस्टोर किया, रेनोवेट किया। और ये जो पिलर्स हैं, ये जो स्टोन है, ये मलबरी की वुड्स हैं, शहतूत की लकड़ी लकड़ी है सर, ये उसी वक्त की जो हैंड कार्विंग है। ये जो पीस जो है ना ये चेंज किया, बाकी ये बिल्कुल ओरिजिनल है, उसी वक्त की है सर, उसी वक्त की जो हैंड कार्विंग है। और आप ये देखें, ये दिस वाज कुकिंग पॉट्स, ये पत्थर के बने हुए हैं सर ये। और ये जो है ना मज़े की बात ये है, इसमें ज्वाइन नहीं है, एक ही स्टोन को जो है ना वो तराश के जो बना है। दिस इज आल्सो स्टोन सर, ये वाटर टैंक उस वक्त के जो है ना, ये भी वन पीस है। ये अभी जो है ना दो बंदे अगर जो है ना उठाना चाहेंगे तो नहीं उठा सकते, काफ़ी जो है ना हेवी है स्टोन की है, बट उस वक्त एक ही बंदे जो है ना वो भी पानी भर के उठा के लेके जा सकते थे आगे पीछे, स्ट्रोंग थे उस वक्त के जो लोग काफ़ी। तो ये वाटर टैंक उस वक्त की है।